दोस्तों ये जो मैच है ना चौथा टी ट्वेंटी मैच है, इससे पहले मैंने आपको दो मैच कवर किए हैं, दो के दोनों मैच मैंने आपको क्लीन स्वीप कराए हुए हैं और ये वाले मैच में भी मैं जीतने की पूरी कोशिश करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा यहां से आपके लिए जरूरी प्लेयर है कि डेनियल वॉथ अगर ये खेलेगी ना तो ये जो प्लेयर है इसने लंदन के इस वेन्यू पे काफी रन बनाए हैं, अगर ये खेलेगी तो इसको लेना जरूरी है और फिर वहां पे आप इसको कैप ऑफ इसी बना करके भी आसानी से चल सकते हो क्योंकि ये प्लेयर काफी अच्छी है और इसको इस वेन्यू पे खेलना पसंद भी है। सामने वाली टीम के पास कोई इतने अच्छे बॉलर भी नहीं है तो हर चीज से यही नजर आ रहा है कि अगर ये खेलेगी तो इसको लेकर के चलना जरूरी है। अब एक और चीज है यहाँ पे एल बेल, अगर ये खेल रही है ना, अगर ये खेलने वाली है फिर वहां पे आपको एस बेट्स को लेकर के चलने की कोशिश नहीं करना है क्योंकि अगर यहाँ पे एल बेल खेलेगी तो ये सो प्लेयर है, ये इंग्लैंड की सबसे मेन बॉलर है, ये शुरू की ओर से बॉल करेगी और जब ये बॉल करेगी ना वहां पे एस बेट्स जो है बल्लेबाजी में कोई इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है क्योंकि सामने कमजोर बॉलर बॉल कर रहे थे जैसे कि एल फिलर, जैसे कि एफ कैंप, इसीलिए वहां पे एस बेट्स ने इतने रन बनाए हैं। अगर यहाँ पे एल बेल खेल रही है तो समझो कि वहां पे आपको एस बेट्स के ऊपर भरोसा नहीं करना है, लेकिन अगर ये वापस से नहीं खेल रही है तो वापस से चांस है कि एस बेट्स आपको रन बना करके जरूर से दे सकती है। अब यहाँ पे एम बाउंसर जरूरी प्लेयर है, अमीलिया केयर जरूरी है, एक एफ सी सी डीन और यहां से एक्लेशोन और एस ग्लेन, ये कुछ प्लेयर है जिनको लेना जरूरी है। मैं आपको एन सीवर को भी लेने को बोलूंगा, बस ये कि एन सीवर ने पिछले मैच में एक ओवर भी बॉल नहीं किया क्योंकि इंग्लैंड के पास छह पहले से मेन बॉलर थे तो इसी वजह से सीवर ने वहां पे एक भी ओवर बॉल नहीं किया है। तो सीवर अगर बॉलिंग से ओवर नहीं कर रही है और अगर इंग्लैंड वाले पहले बॉल कर रहे हैं फिर वहां पे एन सीवर के फ्लॉप होने के चांस रहेंगे, फिर वहां पे सीवर के फ्लॉप होने के चांस रहेंगे। इसीलिए पिछले मैच हमने सीवर को कैप ऑफ इसी कुछ भी नहीं बनाया और वहां पे काफी आसानी से जीत भी गए। तो यही रीजन है कि इंग्लैंड के पास छह छह मेन बॉलर है, यानी कि सीवा बॉलिंग से ओवर ना के बराबर करेगी, बल्लेबाजी भी चार नंबर पे आएगी और कहीं अगर न्यूजीलैंड वाले पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वैसे भी ये लोग रन नहीं बना पा रहे, 100 रन बनाएंगे 120 रन बनाएंगे, फिर वो जो रन होंगे ना वो इंग्लैंड के मेनली शुरू के तीन ही प्लेयर 110 और 120 में से 100 रन बना लेंगे, फिर सो चार नंबर पाँच नंबर छः नंबर के प्लेयर की बारी आनी होगी, वो आना मुश्किल है और वही चीज़ हो रहा है। तो इसी वजह से अगर इंग्लैंड वाले पहले बल्लेबाजी करेंगे वहाँ पे है ना सीवर को कैप ऑफ इसी बना करके चल सकते हैं, लेकिन अगर पहले बॉल है वहाँ पे आपको इसको कैप ऑफ इसी बनाने की कोशिश नहीं करना है। यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको लेना जरूरी है, ये जो प्लेयर है ना इनको लेना जरूरी है, बचे हुए जो तीन प्लेयर है इन्हीं के ऊपर आपको ध्यान से अपना रिस्क लेना है। सबसे पहले यहाँ पे सोफी डिवाइन, अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड वाले पहले बल्लेबाजी कर रहे वहां पर इसको लेकर के चल लूंगा, लेकिन अगर पहले बॉल है, अगर पहले बॉल कर रहे हैं न्यूजीलैंड वाले वहां पर कोई इतनी सही प्लेयर नहीं रहेगी क्योंकि चेस करते हुए कई बार ये फ्लॉप हुई है क्योंकि तीन ओवर चार ओवर पूरा बॉल भी कर रही है, बल्लेबाजी भी रन बना सकती है, इसी वजह से मैंने इसको ले लिया है। अब बचे हुए दो प्लेयर जो है एस बेट्स को मेनली तभी लेना है जब न्यूजीलैंड वाले पहले बल्लेबाजी करे, जब सामने जो इंग्लैंड की टीम है इनकी ओर से एल बेल को ना खिलाया जाए, ये दो कंडीशन होगा तभी वहां पे आपको एस बेट्स को लेकर के चलना है वरना पे नहीं लेना है। अगर यहाँ पे एल बेल खेलेगी तो वहां पर भी नहीं लेकर के चलेंगे सूजी बेट्स को, और अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम पहले बॉल करेगी वहां पर भी मैं अपनी टीम में सूजी बेट्स को लेकर के चलने को नहीं बोलूंगा। उसके अलावा सोफी डंकली मेनली छक्के चौके मारने वाली प्लेयर है, आएगी मारेगी जाएगी, आएगी मारेगी जाएगी, इसका यही खेलने का तरीका है क्योंकि सामने कमजोर टीम है क्योंकि इन्हीं के देश में मैच हो रहा है तो अभी के लिए मैं इसको लेकर के चल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे बॉलर्स में आपके लिए दो अच्छे बॉलर हैं जिसमें नाम है एफ कैंप का, जिसमें नाम है एल फिलर का, इसमें अच्छा बॉलर कौन है? साफ नजर आएगा कि एल फिलर जो है एफ कैंप से ज्यादा अच्छी बॉलर है, लेकिन एफ कैंप जो है बल्लेबाजी में भी आपको छह नंबर पे आ जाएगी, रन भी आपको बना करके दे सकते हैं, 10-20 रन आपको आसानी से बना करके दे सकती है, ये एक अच्छी बल्लेबाज भी है, तो अगर आप ऐसा ऑलराउंडर लेना चाह रहे हो तो वहां पे एफ कैंप को लेकर के चलना। अभी के लिए मैं दोनों में से मेनली कहूंगा कि मैं दोनों के दोनों को लेने की कोशिश करूंगा, कैसे वहां पे मैं या फिर अपनी टीम में
एस दंकली को मिस करूंगा या फिर यहाँ पे सोफी डिवाइन को, ये दोनों में से किसी एक प्लेयर को ना लेकर के मैं कोशिश करूंगा कि एफ कैंप और एल फिलर दोनों के दोनों बॉलर को लेकर के चला जाए। अभी के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके की टीम बनाई जिसमें मैंने कैप बनाने का सोचा ही है ना कि ये टीम बना रहा हूं। अगर यहाँ पे इंग्लैंड वाले पहले बल्लेबाजी करेंगे वहां पर मैं सीवर को कैप ऑफ इसी बनाने का सोचूंगा, लेकिन अगर पहले बॉल होगा, पहले अगर बॉल होगा वहां पे मैं सोफी एक्लेशन को कैप और सी दीन को अभी के लिए वीसी बना करके चलूंगा। ये मेनली तब के लिए जब न्यूजीलैंड वाले पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब इसमें आप कर ये सकते हो कि अगर यहाँ पे एल बेल खेल रही है वहां पर तो मैं सूजी बेट्स को नहीं लूंगा, लेकिन अगर एल बेल नहीं खेल रही है वहां पे फिर आप यहाँ पे बॉलर को ना लेकर के यहाँ पे एस बेट्स को लेकर के चल सकते हो। फिर वहां पे ये आपका रिस्क होगा, मान लो ध्यान से समझना इस चीज को, मान लो कि न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है ना, और सामने जो बॉलर है वो एल बेल जो बॉलर है ये वापस से नहीं खेल रही है, यानी कि इंग्लैंड के जो पेसर्स है वो कोई इतने अच्छे नहीं है, यानी कि जो पेसर्स है वो काफी कमजोर है। वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप कर ये सकते हो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के ऊपर भरोसा कर लो। अगर यहाँ पे एस बेस चल जाएगी तब भी जीत जाएंगे, मैदी ग्रीन चल जाएगी तब भी जीत जाएंगे, और फिर वहां पे आप अमिलिया केर को कैप और सोफी डिवाइन को वीसी बना लो। इससे होगा ये कि अगर ये दोनों प्लेयर में से कोई चलेंगे तब भी जीतेंगे, और ये दोनों में से कोई चलेगा तब भी जीत जाएंगे। तो ये इस तरीके का रिस्क लेकर के आसानी से आप जीत सकते हो, मेनली तब जब न्यूजीलैंड वाले पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पिछले मैच में दोनों ही प्लेयर रन बना करके आ रही हैं, इसी वजह से इस वाले मैच में मैं इनके ऊपर भरोसा करके नहीं चलूँगा, क्योंकि भरोसा करेंगे कहीं ऐसा ना हो कि फ्लॉप हो जाए। तो अभी के लिए मैंने इसी तरीके की टीम बनाने का सोचा है, सोफी एक्लेशन को कैप और यहाँ पे सी दीन को वीसी, ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है, फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम जो भी होगी मैं टॉस होने के बाद अपने इसी वाले टेलीग्राम चैनल को पर अपनी फाइनल टीम आपको भेजूंगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पिन किया मिल जाएगा। अभी के भी फ्री में स्वाइनोसन है, इसी चैनल पे मैं अपनी फाइनल टीम आपको भेजूंगा। चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो भाई, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं दे रहा है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।